वो यहाँ पे लगाई जा रही है मेहंदी मेहंदी सजनी के नाम की तुझसे बोला 6 बार मैंने आवाज देख विशेष ने लिखा है आप तो ऐसे तैयार हो रहे हो शादी होने वाली है शादी से कम भी नहीं होगा सही बात है तो क्या हो गया ठीक है। अरे ये है जो माता रानी की पूजा की थी ना हम लोगों ने नवरात्रि में वो वाली की पे और ये जा रहा है कॉलेज घर में हो रही है सफाई तो इसलिए आपको पूरा घर फैला हुआ और बिखरा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है इसलिए सारा मसाला डाल दिया। तो अभी जो टाइम हुआ है बजे हैं 3 और इस बार का जो मुहूर्त है 3 से 4 बजे के बीच का है तो मैं हो जाती हूँ फटाफट से तैयार। तैयार होने के बाद फिर करते हैं पूजा और मंदिर मतलब मैं अच्छे से डेकोरेट करके आ चुकी हूँ लेकिन आपको मैं दिखाऊंगी और मंदिर को मैं कवर करके भी आ गई क्योंकि जो जॉर्ज है ना वो फिर सामान में मुंह लगाता है तो अच्छा नहीं लगता इसलिए तो पहले तैयार होती हूँ। तो अभी जो टाइम हुआ है बजे है 12 मैंने सोचा मैं अपने बिछुए चेंज कर लेती हूँ और अपने नेल पेंट लगा लेती हूँ क्योंकि कल मैंने मेकअप की वीडियो अपलोड की थी ना तो मैंने पिंक कलर की नेल पेंट लगाई हुई है लेकिन अभी मुझे लगानी है ये रेड कलर की और साथ में बदलने हैं अपने बिछुए। तो मेरे बिछुए हैं ये वाले मैंने लिए नहीं है मेरे पास पहले से रखे हुए थे तो यही बिछुए मैं पहनने वाली हूँ। अच्छा देखो पुराने गाने सुनना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं फ्री होती हूँ ना तो पुराने गाने मैं ज़रूर सुनती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा और इस बार जो पूजा का मुहूर्त था 3 से 4 बजे का बीच था और जो मेरी पूजा हुई थी 3:30-4 बजे के करीबन मैंने कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को फूलों की माला पहनाई उसके बाद मिठाई का भोग लगाया उनका टीका किया और जो मम्मी के लिए मैं लेके आई हूँ जैसे कि साड़ी है और उसके मतलब पैसे रख दो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आपकी श्रद्धा है और मैंने उस पर चूड़ी भी रखी है चीनी का जो करवा होता है ना वो भी रखा हुआ है वो भी मैंने माता रानी के पास में रख दिया और उसका भी मैंने पूजन किया है और कथा मैंने पढ़ ली क्योंकि उनका पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि मंस के दिया जाता है ना सासू माँ को तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने 2 करवे भर के रखे हुए थे एक करवा था मिट्टी का था और ये है लोटा पीतल का। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब जो देवरानी जेठानी होती हैं वो आपस में करवे बदलती हैं लेकिन मेरी ना तो कोई देवरानी ना है ना कोई जेठानी है तो मैं ही देवरानी मैं ही जेठानी तो मैं खुद से ही बदल रही थी तो मम्मी इसी तरीके से बदलवाती हैं। जो ये पीतल का लोटा आप देख रहे हो ना इसका मैं देती हूँ सूर्यदेव को अर्घ और जो ये करवा है मेरा इसे भर के मैं रख दूंगी और जब चंद्र तो कथा मेरी हो चुकी है कथा मैंने आज अपने घर पे पढ़ी और वैसे ऊपर भी सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर पढ़ेंगे लेकिन क्या होता है ना कि सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं कोई किसी टाइम पढ़ता है कोई किसी टाइम मतलब अलग अलग पूजा करने का तरीका भी अलग ही होता है लेकिन जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं तो उसका नियम नहीं तोड़ना चाहिए जो अपने घर में होता है तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं मैं और मम्मी साथ में बैठ जाते हैं तो हमारी पूजा हो चुकी है। अब जो ये जल होता है 2 लोटों में मैं जल भरती हूँ एक तो जो मिट्टी का करवा होता है ये वाला इसमें जल भर के रखते हैं और एक पीतल वाले में देते हैं सूरज पर जो मिट्टी वाला होता है इसको तो चांद को अर्घ दिया जाता है और जो ये पीतल वाला लोटा होता है इसका सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो अब मैं जा रही हूँ सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए। चलिए
हमारी पूजा हो चुकी है। पूजा मतलब इस टाइम पे जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं चौथ माता की कहानी पढ़ ली है। अब बनानी है मम्मी के लिए चाय, क्योंकि मम्मी बैठी हुई है चाय के लिए। मम्मी बोली थी पहले पूजा कर ले उसके बाद चाय बना देना, तो विशेष का इंतजार कर रही थी कि विशेष आएगा तो साथ में पी लेंगे। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ मम्मी के लिए चाय, और मम्मी की चाय के साथ साथ विशेष का भी कॉल आ ही गया था। मैं सोच रही थी कि विशेष का टाइम हो गया आने का, तो चलो मैं उसके लिए भी चाय बना लेती हूँ, लेकिन अच्छा हुआ उसने कॉल कर दिया कि मम्मी अभी ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आने में, तो आप परेशान मत होना कि मैं लेट कैसे हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है तुम बता दिया ना तो सही किया, क्योंकि होता है ना बच्चे जब बता देते हैं कॉल करके तो मन में तसल्ली हो जाती है कि चलो हाँ उसने मुझे बता दिया। तो देखो जॉर्ज मुझे बताने के लिए आया है कि गेट पर कोई आया है ना, जल्दी जल्दी से पूछ लाएगा। इसे पता है क्या, खुशबू से पता चल जाता है, जैसे बच्चे जिम जाते हैं बच्चे आते हैं ना बस खुशबू इसे आ जाती है, और इतना मतलब सूंघता है पहले गेट में से, सूंघने के बाद फिर पूछ लाएगा तेजी तेजी से पहले मेरे पास आएगा ये बताने के लिए कि कोई आ गया, तो विश्वास आया अभी बाहर से। और यहाँ पे मैंने बना दी थी मम्मी के लिए चाय, मम्मी की चाय बन चुकी है तो मम्मी को दे देती हूँ चाय। उसके बाद विशेष भी आ रहा होगा, और आज ना वो भूखा ही गया, कुछ खा के भी नहीं गया, कह रहा था मम्मी आज ना मैं लेट हो गया तो मतलब पैसे दे दो मैं कैंटीन में खा लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक, तो मम्मी को मैंने चाय बना के दे दी। और चाय बनाने के बाद अभी जो टाइम हुआ है बजे हैं 5, तो मैं सोच रही हूँ अभी तक मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। मतलब प्यास जरूर मुझे हल्की सी लग रही है, लेकिन बिल्कुल भी अंदर से ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैंने आज खाना नहीं खाया, अभी तक तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो मेरे सर में दर्द हो सकता है, अभी तक तो भगवान की दया से कुछ भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं खाना बनाने की तैयारी कर ले, थोड़ा सा नहीं मतलब जो मुझे खाना बनाना है मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ, धीरे धीरे बनाती रहूंगी, मेरा टाइम भी पास होता रहेगा। और पता चले सर में दर्द हो गया ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है फिर काम करना, तो इसलिए हस्बैंड ने भी फास्ट रखा हुआ है, लेकिन वो अभी ऑफिस से आए नहीं, उन्होंने बोला था कि मैं 5 बजे के करीब बनाऊंगा। तो 5 तो बज चुके हैं, मैंने उनको कॉल भी की थी लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाई, हो सकता है रास्ते में हो। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना, आज मैं बनाने के लिए जा रही हूँ। हम लोगों में बनता है खीर पूड़ी और सब्जी जो मर्जी बना लीजिए, और प्रसाद के लिए मैंने मिठाई भी मंगाई। तो अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना, क्योंकि अभी बॉडी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी है, नहीं तो पता चले जैसे जैसे टाइम निकलेगा बॉडी की जो एनर्जी है ना वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो जब तक एनर्जी, जब तक खाना मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और इसके पापा भी आ चुके हैं, आने की देर नहीं होती। हमारा जो जॉर्ज है ना, बस इसको लगती है कि सबसे पहले मुझसे प्यार करो और सबसे बाद में बात करो। क्या हुआ इसका प्यार करने का तरीका। तो चाय बनाओ कि पानी लो? मेरा भी फास्ट है, लेकिन मेरे चेहरे से थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा नहीं यार, क्योंकि मैं थोड़ा सा लग रहा है इतना, मैं मतलब तगड़ा फास्ट रखता नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास होता जा रहा है मुझे, और मैं धीरे धीरे उसी रूप में ढलता जा रहा हूँ। और आज से आई थिंक से मेरा 8वां करवा चौथ का फास्ट है, तो मैं अपनी सिटी के लिए रखा है 8वां। वैसे तो 20-21 साल से मेरे साथ है, लेकिन जब जागो तभी से मेरा। तो दोस्तों अगर आप भी रखना चाहते हो तो बिल्कुल रखना। और जितने जो भी लेडीज ब्लॉग देख रही हैं वो अपने हस्बैंड से जरूर बोले कि नेचुरल पूजा का अगर हस्बैंड रख रहे हैं तो आप भी रख सकते हो, लड़ाई नहीं करना, लेकिन सिर्फ बोलना है। अगर अगर अपनी इच्छा से अगर वो आपके हस्बैंड रखना चाहें तो बिल्कुल रखें, अदरवाइज मेहंदी मेहंदी कहाँ, मेहंदी मेरा प्यार बड़ा इनके लिए लगाई क्या, मैं 2 मिनट के लगाई थी यार, अभी दोबारा लगा के हम चले गए, दोबारा लगा था, मैंने बोला नाइट में लगानी चाहिए थी, लगा के फिर चले गए ऑफिस के लिए, ऑफिस का टाइम हो गया, मैं क्या रात को लगाते ना तो कलर अच्छा आता। हां सो चक्कर चक्कर से आ रहे हैं सर, अवसर में दर्द हो रहा है आपके? सच बताओ ना कि जब पिछली बार हम लोगों ने करवा चौथ का फास्ट रखा था ना अपने डेली वाले घर में, तो उस समय पे हम लोगों ने एक गलती की थी कि एक दिन पहले करवा चौथ की नाइट वाले दिन हम लोग गए थे बाहर मेहंदी लगवाने के लिए, तो मेहंदी भी लगवा के आए, उसके साथ में चटकारे उड़ा के आए, जैसे कि गोलगप्पे खाए थे, स्पाइसी खाया था मतलब बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से हम लोगों को जो प्रॉब्लम हुई ना, सच कह रही हूँ, दोनों के सर में दर्द हुआ। सुबह उठे ना तभी से हमारा सर दर्द मतलब शुरू हुआ, और नाइट में जब तक हमने फास्ट नहीं खोलिया तब भी बना रहा, मतलब नाइट में फिर हम खाना वाना खा के जो भी खाया थोड़ा बहुत सो गए थे, उसके बाद हमारा सुबह मतलब सर दर्द हुआ ठीक। अब इस पे हम लोगों ने आप लोगों से बोला था कि ये, मतलब आप लोगों ने हमारा ब्लॉग देखा कि हमारे सर में दर्द हो रहा है ये और वो, तो आप लोगों में से काफी लोगों ने ये कमेंट्स किए थे कि जो आपने नाइट में स्पाइसी खाया था ना उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो जब भी आप फास्ट रखा करें तो लाइट खाओ, जितना हो सके लाइट खाओ और मीठा खाओ,
तो तब से मैंने आपकी बात ना गांठ मार के रख ली थी कि अब जो करवा चौथ आएगा ना उसमें स्पाइसी। कल हम लोग गए थे घूमने के लिए कुछ सामान लेने के लिए जैसे कि करवा चौथ से रिलेटेड, तो मैंने इनको बोला मैंने गोलगप्पे खा लो भाई, मैंने नहीं खा, इन्होंने बोला चल गोलगप्पे खाने कल तो फर्स्ट टाइम रहेगा, मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि एक गोलगप्पे तो मुझे ऐसा लगता नहीं गोलगप्पे खाने से कुछ सिर दर्द होता है मुझे तो। अब आपने देखा ना, अब नहीं हो रहा ना बात उसकी, नहीं है भाई मैं तो नहीं भाई, मैं कह सकती हूँ मुझे 1% भी बिल्कुल भी ना तो सर में दर्द हुआ अभी तक, अभी तक तो मैं ठीक हूँ। ठीक है, हाँ प्यास की मुझे जरूर लग रही है कि पानी मिल जाए तो पता नहीं कितनी बोतल में खाली कर दूँ, ऐसा मुझे जरूर लग रहा है। और ठंडा ठंडा पानी हो फ्रिज का, वो भी नॉर्मल पानी से कम नहीं चलेगा ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन सर दर्द बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा तो होता ही है, तो नॉर्मल है कि जब हम कुछ खाते पीते नहीं है तो एनर्जी तो थोड़ी सी कम हो जाती है, बस ऐसा फील हो रहा है, बाकी मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो आप लोगों की ट्रिक मेरे बहुत ज्यादा काम आई, थैंक्स। मैं तो ऑफिस में वर्क करके आया हूँ और क्या नाम है, बिल्कुल हल्की सी थकावट तो है, जैसे चक्कर तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ा सा मतलब कि कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ है। वो ये भी अच्छा है कि मैं घर पे नहीं रुका और मैं ऑफिस चला गया, क्योंकि छुट्टी भी कर सकता था लेकिन मैंने करी नहीं। वो कारण क्या था कि अगर मैं छुट्टी करता तो घर पे रहता, फिर कई चीजें और ख्याल आते। अब मैं चला गया, दोस्तों से साथ मिला, सबसे मिला जुला काम भी किया, तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहा, तो काफी अच्छा रहा ऑफिस का आज, दोस्तों ने काफी मेरा ऐसा एंजॉय किया और मुझे शाबाशी दी और एप्रिशिएट किया बहुत सारे दोस्तों ने। किसी ने रखा। अच्छा अब आप ही बताओ, जो आपने मुझे साड़ी दिलाई थी जिसमें आप बहुत ज्यादा फूले हुए थे कि नहीं वो साड़ी बदल दी तूने, ये कर दिया वो कर दिया, अब साड़ी ये वाली कैसी अच्छी लगी? अच्छी लगी ना, उससे अच्छी है, उससे बेटर है, है ना, हाँ ये खिल भी रही है ना, नहीं चाहिए, थैंक यू। तो चलिए अब आप भी खिल रहे हो, निर्मा के कौन सा सुना है, निर्मा वहां से पटर से नहीं फेना सर से नहीं वाले में हाँ मैंने फेरा गोली मक्के में गोलने के बाद उसे ऊपर से डाला, सर से ऊपर से तो रख पे रख के लिया। चलिए दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, चांद जल्दी से निकले, वेट करो अब एक दो रील बना लेते हैं, हमारा चांद तो निकल ही गया है, हम तो देखिए अब इतने अच्छे से तैयार हुए तो एक दो रील बना लेते हैं, एक दो रील बना लेते हैं और ये जाएगी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, आप लोग जरूर देखना इतने अच्छे से तैयार होने। ये बीच में पहले घुसता है यार, ये देखो ये ऐसे लगा रहता है सूंघने में, पता क्या क्या सूंघते हैं, कपड़े नए पहन के तो सूंघने लग जाएगा। आज तो मंदिर ना मैंने देखिए इस तरीके से पूजा करके पूरा कवर कर दिया है, इसकी वजह से सबसे पहले भोग लगा के आता है, ये चुपचाप से जाएगा कोई नहीं देख रहा उठा के ले आएगा इसलिए। तो चलिए दोस्तों ये थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और मैं थोड़ा सा किचन का काम निपटा लेती हूँ और मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में। विशेष और विश्वास को खाना दे दिया, ये दोनों खाना खा रहे हैं, मैं मम्मी और हस्बैंड खाएंगे बाद में, टाइम हुआ है 8:30 हो चुके हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से चांद निकले और अर्घ दे के कुछ खाएं, खाएं मतलब पानी पिए सबसे पहले, तो वो लग रहा है थोड़ा सा उथल पुथल हो रही है कि यार अब बस कहाँ है चांद, चांद चांद है ना, चल एक दूसरे को देख के कर लेते हैं, एक दूसरे को देख के कर लेते हैं पूरा हो जाएगा। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, लेके आओ लोटा लेके आओ थाली लेके आओ बस इंतजार की घड़ी होने वाली है, 8:30 तो हो चुके हैं, 5 मिनट घड़ी चल रही है तो उम्मीद है 15 मिनट में चांद निकल जाएगा। देखिए हल्के हल्के ना बादल भी हो रखे हैं, लोग जो देखते हैं जो भी फैमिली या लेडीज लोग देखते हैं कि उनके कितने लोग कितने हस्बैंड उनके पास रखते हैं करवा चौथ का, कमेंट्स करके जरूर मुझे बताना, तो मेरे जरा थोड़ा सा इतरा लें नहीं नहीं इसलिए नहीं वो तो जब तक लाइफ है तक मैं रखूंगा, मतलब जिससे थोड़ी सी अकड़ दिखाए मेरे लिए दे देगा, मैं रखूंगा मेरे लिए सर। हमने पता क्या किया है, सब्जी मैंने घर पे बनाई पनीर की और खीर मैंने बनाई अपने हाथों से, लेकिन पूरी और रोटी मैंने नहीं बनाई क्योंकि लास्ट टाइम में आपको लगता है ना ऐसा लगता है कि यार एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर, तो हमने बाहर से मंगाए नान तो उसके साथ खाने के लिए, पहली बार हमने ऐसा किया है कि करवा चौथ पे मैंने बाहर से मंगाया थोड़ा बहुत, क्योंकि यार लास्ट टाइम में हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है इसलिए। लो बेटा आप ठीक बोले, लो क्योंकि लास्ट टाइम में ना थोड़ा सा लगता है कि यार आप बस आज 8:15 का टाइम दे रखा, अलग अलग टाइम दे रखा है, 8:30 के करीबन दे रखा, लेकिन 8:30 हो चुके हैं तो यहाँ सारे लोग लगे हुए हैं चांद देखने में, चांद तो देखने का, लेकिन ये किस टाइम निकलेगा टाइमिंग देखने के लिए पापा की ये चांद दिखाई दे, एक चांद
राम बाबू तो रख देंगे। और हम लोग काफी टाइम से देख रहे थे बालकनी में, हमें चांद नजर नहीं आ रहा, विश्वास किया विश्वास नहीं देखा, इतना बड़ा चांद है और मेरे माँ बाप को दिखाई। अब बताओ पापा, मेरी आंखें तेज है कि आपकी? एक मिनट पापा, चश्मा लगा रखा, तेरी आंखें तेज है तो आप भी लगा लो, मतलब आपको जरूरत है। लेकिन चांद तो साइड में था इसलिए हमें नजर नहीं आया, हम उस साइड देख रहे थे, चांद दूसरी साइड था। तो अब हम जा रहे हैं चंदा मामा को अर्घ देने के लिए, और अर्घ देके हम अपना फास्ट खोलेंगे। थोड़ी सी लगी हुई है पानी प्यास की, बाकी तो खाने की तो कुछ ऐसा है नहीं। चांद में रहता हूँ एक बार, हाँ कहाँ दिख रहा बोला, ओह वेरी गुड, गम नहीं कर रहा था, मैं इधर खड़ा रहता हूँ। बाबा कितने चांद दिखाई दे रहे हैं आपको? लोटी हुई थी आप मम्मी की साड़ी, और इस पे है पैसे, ये है मम्मी की चूड़ियाँ, और जो ये चीनी का करवा होता है ये भी हम देते हैं मम्मी के लिए, और ये होता है प्रसाद हम लोगों में, तो इसको वो सब लोगों के लिए बांट देती हैं। ये देती हूँ, उसके बाद खाने की थाली लगा के दूंगी, तो फिर वो खा लेंगे उसके बाद। अरे अम्मा और सच के बैठ गए खाने की थाली, हाँ खाने की थाली, अम्मा को भूख लग रही है, खाने था इधर से तो अम्मा को। नाइट में 12 बजे से हमारा व्रत हो जाता है स्टार्ट, और तब से लेके अब बजे हैं सही 9, और अब हम लोग जल ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। ये व्रत खुल गया, हैप्पी करवा चौथ, सबका करवा चौथ इसी तरीके से मंत्र है जैसे आज हमारा मनाए, हमारा भी हर साल इसी तरीके से सेलिब्रेट हो जैसे इस साल हुआ, बहुत ही मजा आया। और बड़ा ठीक तरह सेलिब्रेट हुआ और काफी अच्छा लगा, काफी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है, और बाकी आप लोग भी एंजॉय कर ही रहे होंगे। पानी के बगैर नहीं रहा जाता, खाना मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, चक्कर से आने लगे थे। देखिए पानी के बगैर नहीं रह सकता इंसान सच्चे, लेकिन इस बार ना मैं काफी बच के रही हूँ, अब लास्ट टाइम में थोड़ा सा लगा मुझे, लेकिन पूरा दिन मेरा बहुत ही अच्छा निकला। दोस्तों ये पूरे लड्डू, ये पूरा, ये तो आधा हो गया, अब दूसरा है, ये पूरा लड्डू पूजा को खिलाऊंगा, मीठे से शुरू हुआ। थैंक यू। शुक्रिया।
लोगों ने खाना खा लिया और हमारा करवा चौथ बहुत ही अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया, बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। आई होप आप सब ने भी अपने अपने घरों में करवा चौथ को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट और एंजॉय किया होगा। कि मैं तो अपना रूटीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ तो आपको पता चल जाता है आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, कितना आप लोगों ने एंजॉय किया, ये आप लोग कॉमेंट्स करते हो तब मुझे पता चलता है। तो आप लोग कॉमेंट जरूर किया करें कि आपका करवा चौथ किस तरीके से सेलिब्रेट हुआ। तो अब मैं इसका एंड कर देती हूँ यहीं पर, और आप सभी को कैसा लगा मुझे बताना कमेंट्स करके। मेरी चूड़ियाँ कैसी लगी, मेरी साड़ी कैसी लगी, साड़ी के साथ का जो ये ब्लाउज है इसका कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा, इसका मेकअप कैसा लगा, ठीक है, मेरी ज्वेलरी कैसी लगी, तो सब कुछ बताना मुझे कमेंट्स करके। तो आपको कैसा लगा ये मुझे बताना कमेंट्स करके। तो इसका मैं एंड कर देती हूँ यहीं पर। अब आपसे मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ। पसंद आया हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं कल, बाय बाय।